वेलकम टू अनुराग अकेडमी एस के सर। आज हम सभी लोग इस अनुराग अकेडमी एस के सर के चैनल में देखने चल रहे हैं जूनियर एडेड संशोधित रिजल्ट हुआ जारी। ठीक है, तो जूनियर एडेड का जो परिणाम था वह संशोधित हो गया और अभी अभी क्या कर दिया गया, जारी कर गया। इसमें कुल अभ्यर्थियों में से 42,066 अभ्यर्थी जो कि जूनियर सहायक अध्यापक में तथा 1,566 विद्यार्थी यानी 1,544 विद्यार्थी जो है कि पास हुए हैं किसमें, जूनियर प्रधानाध्यापक में। तो अब देखना है किसको मिलेगी नौकरी। आगे हमारा नोटिफिकेशन, चलिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का संशोधित परिणाम जारी। ठीक है, प्रयागराज जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती 2022 का संशोधित परिणाम मंगलवार देर रात सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी संशोधित परिणाम बुधवार दोपहर बाद से वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, कब से देख सकते हैं, दोपहर बाद से। संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या घट गई है। बड़ी बात यहाँ से निकल के आ रही है कि संशोधित परिणाम में अभ्यर्थियों की संख्या क्या कह गई है, घट गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया था। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। संशोधित परिणाम में सहायक पद के 42,066 प्रधानाध्यापक पद के 1,544 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आया जरा इसको देख लीजिएगा। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक परीक्षा चयन परीक्षा 2021 के संशोधित परिणाम का प्रकाशन। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 में घोषित परीक्षा 15/2021 में विसंगत संबंधी अप्रत्यायन के क्रम में शासनादेश संख्या 311/3/2022 में बेसिक शिक्षा विभाग 3 के लखनऊ दिनांक 8/6/2022 द्वारा संपूर्ण परीक्षा के मूल्यांकन कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। पुनः शासनादेश संख्या 833/3/2022 बेसिक शिक्षा विभाग दिनांक 30/8/2022 को सम्यक विचार उपरांत जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के पूर्व घोषित परीक्षा दिनांक 15/11/2021 को निरस्त करते हुए पूरे परीक्षा परिणाम को फिर से घोषित किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 8/6/2022 को 30/8/2022 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 के दिनांक 15/11/2021 को घोषित संपूर्ण परीक्षा फल का पुनर्मूल्यांकन कराए जाने के उपरांत पूर्व घोषित परीक्षा फल दिनांक 15/11/2021 को निरस्त करते हुए संशोधित परीक्षा फल दिनांक 6/9/2022 को घोषित किया जाता है। ठीक है, कब घोषित किया जाता है, 6/9/2022 को घोषित किया जाता है। अभ्यर्थी उक्त संशोधित परीक्षा परिणाम का अवलोकन दिनांक 7/9/2022 के अपराह्न यानी 7/9/2022 को दोपहर से आप इस वेबसाइट पर क्या कर सकते हैं भाई, इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और यह परीक्षा फल का परिणाम 30/9/2022 तक इस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद इस वेबसाइट से इसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा कि इस क्रम संख्या एक पर है सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक माने सहायक अध्यापक के पदों पर 3,35,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,71,071 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। उनमें से 42,066 अभ्यर्थी अब तक पास हुए हैं। और दूसरे जो प्रधानाध्यापक का पद था, इनमें 19,559 लोग भाग लिए थे, जिनमें से 14,931 लोग परीक्षा में बैठे और उनमें से 1,544 लोग इस परीक्षा में पास हुए हैं। इसको जारी करने वाले हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज लखनऊ। प्रयागराज
ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, या आप सभी लोग यहाँ से अपने परिणाम को दोपहर 2 बजे से देख सकते हैं। तो दोपहर 2 बजे से अपने परिणाम को देखने के बाद या नोट आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने नंबर को कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि यह हम बता सकें कि आप लोगों का सिलेक्शन कितने नंबरों तक बहुत आसान तरीके से कर दिया जाएगा और किन लोगों को नौकरी पक्की हो जाती है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो को, ऐसे ही नोटिफिकेशन को जानने के लिए आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से सभी संपूर्ण तैयारियों के क्लासेस, जैसे यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, बैंक, रेलवे, एसएससी, सभी के कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। इसके लिए आप सभी लोग अनुराग अकेडमी एसके सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।